अपन ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पहला पार्ट जो था, जिसमें बेसिक नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को डिस्कस करना था, उसको हमने डिस्कस किया था, जिसमें जाना था कि सेलर कौन है, बायर कौन है, गुड्स किसको बोलते हैं, गुड्स कितने प्रकार के होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, कंटिंजेंट गुड्स क्या होता है, फ्यूचर गुड्स क्या होता है, करेक्ट? फिर उसमें भी स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, गुड्स का डिलीवरेबल स्टेट पे होना, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स, ऐसी और कई सारी बातें जो हैं वो हमने डिस्कस की थी जब हमने पहला यूनिट पढ़ा था। सब्जेक्ट मैटर अगर एग्जिस्ट कर रहा है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो नेचर क्या होगा, अगर सब्जेक्ट मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करता बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो क्या होगा, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होगा तो क्या होगा, आइदर ऑफ द केस में हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है 7 एंड 8 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फिर वही अगर आपने प्राइस असर्टेन करना है तो सेक्शन 9 और सेक्शन 10 कि अगर गुड्स में प्राइस असर्टेनमेंट है तो सेलर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करती है प्राइस, लेकिन पार्टीज डिसाइड नहीं करती और रिफर टू वेलवर, तो वेलवर जो बोलेगा वो प्राइस एक्सेप्टेबल होगा। अगर वेलवर भी अनेबल टू डिटरमाइन द प्राइस है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया जा सकता है प्रोवाइडेड डिलीवरी हैज नॉट बीन पार्टेड बाय द सेलर टू द बायर, और अगर डिलीवरी हैज बीन पार्टेड तो फिर रीजनेबल प्राइस होता था। ये सारी बातें ऑलरेडी हमने फर्स्ट यूनिट जब की थी सेल ऑफ गुड्स की तो उस पर ऑलरेडी पूरा डिस्कशन कर रखा था। तो उन्हीं में से जो अगली यूनिट है वो एक छोटी सी यूनिट है जो डील करती है स्पेसिफिकली दो वर्ड्स पे, वो है कंडीशन एंड वारंटी। यानी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कंडीशन एंड वारंटीज। बड़ा सिंपल सा छोटा सा यूनिट है जो बेसिकली डील करता है कि कई बार जब आप गुड्स का सेल परचेस करते हैं तो उसमें कई सारी कंडीशंस शामिल होती है, कई सारी वारंटी शामिल होती है। फर्क क्या पड़ जाएगा कंडीशन और वारंटी में उसको लेके, हम जानते हैं कि अगर कोई चीज कंडीशन होती है तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, जिसका अगर ब्रीच हुआ तो उस केस में इट एंटाइटल्स द बायर टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस, ये उसका रेमेडी है। लेकिन अगर कोई चीज ब्रीच ऑफ कंडीशन ना हो के ब्रीच ऑफ वारंटी होता है तो उसमें इट ओनली एंटाइटल्स बायर टू क्लेम फॉर डैमेजेस, ही इज नॉट एंटाइटल टू रिजेक्ट द गुड्स, तो वो गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये उसकी रेमेडी नहीं है। यानी कि कैन नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, बट वो कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच की वजह से जो नुकसान हुआ ही इज एंटाइटल टू क्लेम फॉर डैमेजेस। ये एक बेसिक डिस्टिंक्शन होता है बिटवीन ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड ब्रीच ऑफ वारंटी। तो कंडीशन वारंटी से पहले एक वर्ड जानना जरूरी था, वो वर्ड था स्टिपुलेशन। व्हेनेवर देयर इज अ सेल परचेज ऑफ गुड्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो उसमें अक्सर सेलर जो होता है ही मेक सर्टेन रिप्रेजेंटेशंस अबाउट हिज प्रोडक्ट। तो वो अक्सर अपने प्रोडक्ट की कुछ खूबियां, कुछ तारीफें, कुछ खासियत बताता है कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा, मेरा प्रोडक्ट वैसा। तो कई बार जो स्टेटमेंट्स सेलर के द्वारा दिए जाते हैं बायर को, वो स्टेटमेंट्स के कहने के कारण बायर एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कई बार सेलर प्रोडक्ट की खूबियां बताता रहता है लेकिन बायर एज यूजुअल एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, जो अक्सर आप क्लास में करते हैं, करेक्ट? तो वही काम बायर भी करता है कि एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा। तो अब ये भी एक स्टेटमेंट था जो सेलर ने दिया था लेकिन इससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ और बायर ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो कल को अगर वो स्टेटमेंट गलत हुआ तो क्या सेलर पे एक्शन होगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपने कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था उस बेसिस पे, तो वो महज एक स्टेटमेंट है, इट इज नॉट एन स्टिपुलेशन ड्यू टू विच अ कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड। पर उन्हीं में से कोई एक स्टेटमेंट ऐसा हो जाता है जिसपे अचानक से बायर की आंखें खुल जाती है और बायर बोलता है ये सेलर ने क्या बता दिया इस प्रोडक्ट के बारे में, अब तो मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब सर्टेन स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन का मतलब ही क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन, स्टेटमेंट्स, कुछ बातें, कुछ इंफॉर्मेशन जो सेलर अक्सर शेयर करता है विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो स्टिपुलेशन वर्ड का सबसे पहले मतलब क्या, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनता है, पर सिर्फ हिस्सा बनने से काम नहीं चलेगा, इट अफेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि उसी के कहने पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तभी वो स्टिपुलेशन स्टिपुलेशन कराएगा, अदरवाइज वो तो जस्ट एक स्टेटमेंट है, वन ऑफ द 1000 स्टेटमेंट्स। जैसे अक्सर एक कॉमन सी बात आप सुनते हैं जो दुकानदार बोलता है कि भैया आप भी उससे एक फालतू का सवाल करते हैं, भैया प्रोडक्ट अच्छा तो है ना, कोई एक दुकानदार बता दीजिए जिसने इस सवाल के जवाब में बोला नहीं नहीं घटिया प्रोडक्ट है मत खरीदना। हर सेलर ने क्या बोलना है, इससे बेहतरीन प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, आप ये प्रोडक्ट खरीदिए खोजने पे भी आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, जबकि बदतमीज को ये नहीं पता कि बाजू की दुकान में भी वही प्रोडक्ट मिलता है। बट स्टिल सेलर एक स्टेटमेंट तो देता है क्या कि भैया इससे बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं है, तो ये भी तो एक स्टेटमेंट, पर क्या इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इफेक्ट हुआ? द आंसर इज नो। पर कई बार वो जो स्टेटमेंट देता है वो स्टेटमेंट अफेक्ट फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड अफेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट,
उसी के बेसिस पे बायर रिलाय कर जाता है और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे बायर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लेता है, तो फिर ये स्टिपुलेशन बन जाता है। अब वो स्टिपुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है उस बात पे डिसाइड होता है कि वो स्टिपुलेशन जो दिया गया था यानी वो रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया था वो कंडीशन है कि वारंटी है। स्टिपुलेशन कैन बी कंडीशन एज वेल, इट कैन बी वारंटी एज वेल। तो कोई भी स्टिपुलेशन कंडीशन है या वारंटी है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो स्टिपुलेशन वेदर इट इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर वो इतना असेंशियल है टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कि अगर वो स्टेटमेंट नहीं होता तो मैं वो कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं, दैट इज स्टिपुलेशन एज टू कंडीशन। लेकिन वो कंडीशन, वो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तो था लेकिन इतना असेंशियल नहीं था, लेकिन स्टिल इट वॉज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टिपुलेशन अगर दिया गया था, इफ इट वॉज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे स्टिपुलेशन को आप अक्सर नाम देते हैं वारंटी। यानी वही स्टिपुलेशन कंडीशन है या वारंटी, ये डिपेंड करता है कि स्टिपुलेशन अगर असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे आप कंडीशन बोलते हैं, इफ इट इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो उसी स्टिपुलेशन को वारंटी बोलते हैं। तो जब भी कंडीशन वारंटी पे ऊपर सवाल है तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा कंडीशन होता क्या है, वारंटी होता क्या है। तो कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड वारंटी इज अ स्टिपुलेशन विच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको बोला जाता है स्टिपुलेशन एज टू कंडीशन एंड स्टिपुलेशन एज टू वारंटी। और फर्क क्या है दोनों में, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि कोई चीज अगर स्टिपुलेशन एज टू कंडीशन होती है तो उसका अगर ब्रीच हुआ इट एंटाइटल्स अ बायर टू क्लेम फॉर प्राइस एज वेल एज डैमेजेस। लेकिन अगर कोई चीज स्टिपुलेशन एज टू वारंटी थी और उसका अगर ब्रीच होता है तो बायर इज एंटाइटल्ड ओनली टू क्लेम फॉर डैमेजेस, वो प्राइस क्लेम नहीं कर सकता, यानी यू कैन नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द रेमेडी विच इज अवेलेबल। करेक्ट। यानी अब इसी चीज को अगर सर आप बोले एग्जांपल से समझा दे तो याद करो, इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल हम समझ सकते हैं वो है फॉर अक्सर कंडीशन वारंटी जो होती है ये टर्म्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम से यूज होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, तो ये सब चीजों पर अक्सर कंडीशन और वारंटी जैसी चीजें होती है। अभी मान लीजिए जो बायर जो था, अब वॉशिंग मशीन की जैसे हम बात करें तो वॉशिंग मशीन अलग अलग प्रकार की होती ना, कुछ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, कुछ टॉप लोड वॉशिंग मशीन। करेक्ट। कोई कॉटन क्लोथ धुलने वाली वॉशिंग मशीन तो कोई वुलन क्लोथ धुलने वाली वॉशिंग मशीन। तो अभी जो कस्टमर जो था वो स्पेसिफिकली दुकान में गया था और वो क्या चाहता था, वो चाहता था एक वुलन क्लोथ धुलने वाली वॉशिंग मशीन। यानी उसने अपना पर्पस बता रखा था कि भैया उसे किस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, तो उसने पर्पस बताया था कि भैया वुलन क्लोथ धुलने वाली वॉशिंग मशीन बताइए। अब जो सेलर है उसके पास 10 तरीके की वॉशिंग मशीन है, उसमें सेलर ने क्या किया, Having regard to the requirement of the buyer, उसने क्या बोला कि भैया this washing machine will suit your purpose, कि ये वाली washing machine है ये आपका purpose को पूरा करेगी। तो ये एक statement था, एक representation था being made by seller to buyer। तो seller ने एक representation दिया कि मेरे हिसाब से ये वाली washing machine जो है, ये washing machine आपके woolen कपड़े धुलने का काम करेगी। तो this representation और ये representation इतना essential है कि it affects my contract of sale। क्योंकि जैसे ही बायर ने सुना कि भैया इस वॉशिंग मशीन से वुलन कपड़े धुल जाएंगे, बायर ने तुरंत मन बना लिया कि हमने तो यही वॉशिंग मशीन खरीदनी। लेकिन मान लो वुलन कपड़े धुलने के लिए भी एक नहीं बल्कि उस दुकानदार के पास चार अलग अलग टाइप की वॉशिंग मशीन थी, अब वो चार में से कौन सी वॉशिंग मशीन सेलेक्ट करे, तो जो बायर है वो सब ये चारों में वुलन कपड़े धुलते हैं, इससे भी धुल जाएंगे, इससे भी धुल जाएंगे, इससे भी धुल जाएंगे, तो इसमें कौन सा लेना चाहिए। तो बायर ने, सेलर ने बोला भैया अगर आप मुझसे पूछोगे ना, मैं आपकी जगह होता तो मैं तो ये वाली वॉशिंग मशीन लेता। उसने कारण पूछा गया भाई क्यों ये वाली वॉशिंग मशीन, तो सेलर का क्या कहना था कि इससे सिर्फ कपड़े नहीं धुलते, इससे इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत होती है, दिस इज इलेक्ट्रिक सेवर वॉशिंग मशीन, यानी इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। तो ये एक सेकेंड स्टेटमेंट था जो उस प्रोडक्ट के बारे में सेलर ने बायर को दिया, पहला स्टेटमेंट कि इस वॉशिंग मशीन से वुलन कपड़े धुलते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट कि इस वॉशिंग मशीन से इलेक्ट्रिक की भी बचत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत होती है। बोथ आर स्टिपुलेशन, यानी रिप्रेजेंटेशन मेड बाय सेलर, और उससे के कारण वो बायर ने डिसाइड कर लिया कि मैंने वही वॉशिंग मशीन खरीदना है। अब जैसे ही बायर ने डिसाइड किया और वो प्रोडक्ट को घर लेके गया, यूज किया, अब बाद में पता चला जैसे ही उसने उसमें कपड़े डाले, धुल गए कपड़े, धुल गए मतलब परमानेंटली, परमानेंटली धुल गए कपड़े। तो अब याने ये समझ में आया कि इससे तो वुलन कपड़े धुलते ही नहीं है, ये तो वुलन वाली वॉशिंग मशीन ही नहीं थी। तो फिर कंफ्यूजन हुआ बायर को, तो उसने क्या किया, कॉटन कपड़े डाले, कॉटन कपड़े एक नंबर धुल गए। वो बायर के पास ऑलरेडी एक कॉटन की वॉशिंग मशीन थी, इसलिए वो वुलन वॉशिंग मशीन चाहता था, लेकिन कॉटन के कपड़े धुल गए। तो समझ में आ गया कि इस दुकानदार ने क्या किया, कॉटन वाली वॉशिंग मशीन बेच दी, जबकि बोलना बेचना था
वुलन वाली वॉशिंग मशीन, बताइए इज इंट इट अ ब्रीच ऑफ कंडीशन? या दिस ब्रीच, ये ब्रीच तो हुआ, वेदर दिस ब्रीच विल गिव द राइट टू बायर टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, क्या इस ग्राउंड पे बायर वॉशिंग मशीन को सेलर के पास फेंक के आ सकता है कि नहीं आ सकता? फेंक के आने का मतलब लिटरली जाके फेंक के आना, नहीं मीन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, कैन ही रिटर्न द गुड्स और नॉट? सो द आंसर टू इट विल बी ऑब्वियसली यस, वो चीज को रिटर्न कर सकता है. क्यों? क्योंकि ये स्टिपुलेशन वॉज असेंशियल टू द मेन पर्पस. अगर तूने मुझे शुरू में ही बोला होता कि भैया ये वॉशिंग मशीन से कॉटन कपड़े धुलेंगे लेकिन इलेक्ट्रिक की बचत होगी, तो क्या मैंने वो प्रोडक्ट लेना था? अगर आप मुझे चॉइस देते, एक वॉशिंग मशीन है इसमें वुलन कपड़े धुलते हैं, एक वॉशिंग मशीन है जिसमें कॉटन कपड़े धुलते हैं, और कॉटन वाले में इलेक्ट्रिक की भी बचत होगी, तो मैं कौन सा सेलेक्ट करता? मैं तो जिस पर्पस के लिए गया था वही सेलेक्ट करूंगा ना. तो जब मैं वुलन वॉशिंग मशीन खरीदने गया था तो मैं कॉटन की क्यों खरीदता? जब फाउंडेशन की क्लास लेनी है तो इंटर में क्यों बैठते? इसका मतलब मैंने कही बात आपको, तो वो असेंशियल था टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो जो चीज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो ब्रीच हो गया, एज अ बायर आई हैव अ राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, आई कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता था. लेकिन अब वही चीज सोचिए, वो वॉशिंग मशीन से वुलन कपड़े तो धुल गए, वुलन वाली वॉशिंग मशीन थी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक सेवर स्टेटमेंट दिया गया था कि भैया ये वॉशिंग मशीन को यूज करने से इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है, तो मान लो वो मशीन को यूज करने से पहले इलेक्ट्रिक का बिल आता था 10-15 हजार, वो मशीन को यूज करने के बाद बिल आया 50 हजार. समझ नहीं आई इलेक्ट्रिक बची कि बची कुची भी खा गई? तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में ये स्टेटमेंट भी गलत साबित हो गया. अब सवाल है, जब वो मशीन इलेक्ट्रिक सेवर साबित नहीं हुई, तो क्या दिस गिव्स द राइट टू बायर टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट? क्या इस ग्राउंड पे बायर वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करके वॉशिंग मशीन लौटा सकता था? तो पता चला कि आज इस ग्राउंड पे वो लौटा नहीं सकता, फॉर द वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं, ब्रीच ऑफ वारंटी. तो वो ब्रीच ऑफ वारंटी में ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कोई नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान की भरपाई डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं सेलर से, लेकिन यू कैन नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, आप वॉशिंग मशीन नहीं लौटा सकते इस ग्राउंड पे. करेक्ट? तो यानी क्या चीज कंडीशन है और क्या चीज वारंटी है, ये हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस में डिसाइड होता है. आप कार के शोरूम में गए थे और बोला भैया मेरे को लाल वाली कार चाहिएगी और उसी के लिए मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं. दुकानदार ने, शोरूम वाले ने बोला हाँ ठीक है भैया भेज देंगे, पेमेंट कर दीजिए. मैंने उसको पैसा दे दिया, घर पहुंचा, बोले आप घर जाइए, घर कार आ जाएगी. जब घर पहुंचा तो पता चला ऑरेंज कार खड़ी थी. मैंने बोला ऑरेंज कार किसने मांगी थी? मैंने तो तुमसे लाल कार मांगी थी. क्या दिस गिव्स द राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट? द आंसर इज यस, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता हूं और मैं वो कार लौटा सकता हूं. तो अब क्या चीज ब्रीच ऑफ कंडीशन है, क्या चीज ब्रीच ऑफ वारंटी, ये डिपेंड कर रहा है पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया. बोला था ना टूरिंग वाली कार चाहिए, तो ये नॉर्मल कार क्यों भेज दी? अभी नॉर्मल कार भेजे, एज अ बायर आई कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है. तो कई चीजें जब ब्रीच ऑफ कंडीशन होती है, तो एज अ बायर यू हैव अ राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन हर ब्रीच ब्रीच ऑफ कंडीशन ही नहीं, ब्रीच ऑफ वारंटी भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि आपने रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी. अगर मैं शोरूम में जाके बोलता हूँ ये ऐसी कार बताइए जिसका माइलेज कम से कम 20 किलोमीटर पर लीटर होना चाहिए, और वो शोरूम वाले ने बोला भैया ये वाली जो कार है इसका माइलेज, ये कार आपके पर्पस को, टारगेट को फुलफिल करेगी. तो अगर दुकानदार ने ये बोल के बेचा कि इस कार का माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर है, और कल को अब अगर वो कार का माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर नहीं निकला, तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है, मैं कल को वो कार लौटा सकता. लेकिन मान लो मैं ऐसी कार लेने नहीं गया था, मैं बस कार के शोरूम में गया था, बोला था भैया कार बताओ, और सेलर अपनी तरफ से अब स्टेटमेंट दिया जा रहा है, बोले ये वाली कार बढ़िया है, इसका माइलेज भी लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर है, ऐसा बोल के दिया. तो मैंने उसके कहने पे वो कार खरीद ली, और फिर मैंने चेक किया तो पता चला इसका माइलेज 15 किलोमीटर पर लीटर ही निकला. तो क्या इस ग्राउंड पे मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता और कार लौटा सकता हूं? नाउ द आंसर इज नो. सेम सिचुएशन थी लेकिन पहले केस में आंसर वॉज यस, अब आंसर वॉज नो. कारण, क्योंकि मेरे लिए वो असेंशियल फीचर ही था. क्या मैंने दुकानदार को बोला था कि मुझे ऐसी कार चाहिए जिसमें 20 किलोमीटर का माइलेज हो? नहीं. तो ये एक स्टेटमेंट था, रिप्रेजेंटेशन था, जो सेलर ने अपनी तरफ से दिया. इट वाज नॉट असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि आपको ऐसी ही कार चाहिए, ऐसा नहीं था. तो फिर यहां पे जो ब्रीच हुआ वो ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ब्रीच ऑफ वारंटी है. नुकसान की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ है तो डैमेजेस ले सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. तो ये जस्ट ब्रीच ऑफ कंडीशन के कैटेगरी में नहीं आएगा, उल्टा यहां तो डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियट एम्प्टर लग जाएगा. That is that the buyer be aware, कि जब आप कार खरीदने जा रहे हैं शोरूम वाला 20 बोल रहा है, तो आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि 20 बोल रहा है कम से कम 10-15 किलोमीटर तो होगी जिसकी माइलेज, ये आपको समझना चाहिए. अब आपको नहीं पता तो ये आपकी बेवकूफी है, उसके लिए लॉ नहीं बनता, बेवकूफी के लिए लॉ नहीं बनाया जाता. तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियट एम्प्टर विल अप्लाई, लेट द बायर बी अवेयर.
इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द सेलर। सेलर ने बोला क्या तूने मुझे कभी बोला था कि तुझे ऐसी कार ही चाहिए? नहीं, उसने तो मुझे बोला था 20 किलोमीटर पर लीटर वाली कार बताओ। अगर मेरे पास ऐसी कार नहीं होती तो मुझे उसको सीधा सीधा बोल देना चाहिए था, भैया देख ऐसी कार तो नहीं है लेकिन ये वाली कार है जो 20 के आसपास दे देगी। अगर मैंने ऐसा बोल के भी बेचा होता तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं होता। लेकिन मैंने तो उसको क्या बोला था कि तुझे जैसी कार चाहिए वो ये पड़ी, दिस कार विल सूट यू। तो इसका मतलब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। क्या स्टेटमेंट दे रहा हूं? कि भैया ये वो कार है जो 20 किलोमीटर का माइलेज देती है और तुझे ऐसी कार चाहिए, खरीद ले। और जैसे ही उसने मेरे मुंह से सुना 20 किलोमीटर माइलेज, उसने तुरंत कार खरीद ली। तो नाउ इट अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है, क्या ब्रीच ऑफ वारंटी होता, ये अच्छे से हमें पता होना चाहिए। अब लॉ जो है वो ब्रीच ऑफ कंडीशन और ब्रीच ऑफ वारंटी जो है, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन है या ब्रीच ऑफ वारंटी है तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ज्यादा बड़ा माना गया है, ब्रीच ऑफ वारंटी को कंपैरेटिवली लेस माना गया है। इफेक्ट आप जानते हैं कि एक में आप प्राइस प्लस डैमेजेस देते हैं, दूसरे में केवल यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम फॉर डैमेजेस। लेकिन कई बार आपके पास पावर रहता है टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। यानी कोई चीज थी तो ब्रीच ऑफ कंडीशन, लेकिन एज अ बायर आई कैन कन्वर्ट ब्रीच ऑफ कंडीशन टू अ ब्रीच ऑफ वारंटी। जैसे फॉर इंस्टेंस याद करो, वो वॉशिंग मशीन का कॉटन वाली निकलना इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। उस ग्राउंड पे एज अ बायर आई कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं इजीली रेप्यूडिएट कर सकता था उस कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन जब मैंने कॉटन कपड़े धोए तो वो कॉटन कपड़े धोने से पता चला कि मेरे पास जो ऑलरेडी कॉटन वाली वॉशिंग मशीन है उसमें जो कपड़े धुलते हैं उससे ज्यादा अच्छे कपड़े इस वॉशिंग मशीन पे। हालांकि मुझे चाहिए वुलन वाली चाहिए थी, तो मैं चाहूं तो वो वॉशिंग मशीन को लौटा सकता था, लेकिन माई सेल्फ आई इलेक्ट टू वेव द कंडीशन। तो मैंने एक्सेप्ट कर दिया कि भैया चलो वो कॉटन वाली वॉशिंग मशीन ही रख लेते हैं, लेकिन फिर मैं उसको बोलूंगा कि देखो भैया उसकी वजह से जो नुकसान हुआ बस डैमेजेस दे दो, तो मैं ये वॉशिंग मशीन रखने के लिए तैयार। तो मैं वॉशिंग मशीन नहीं लौटाता, चाहता तो लौटा सकता था लेकिन मैंने नहीं लौटाई। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में यानी मैं क्या कर रहा हूँ, वॉलेंट्री वेव कर रहा हूँ ब्रीच ऑफ, ट्रीट कर रहा हूँ ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। या कई बार ऐसा होता है जहां गुड्स आर नॉन सीवरेबल, या नॉन सीवरेबल से पहले समझ लो वो लाल कार वाला एग्जाम्पल। तो मैंने उसको बोला था भैया लाल कार चाहिए और उसके लिए मैंने उसको 50,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट भी किया था, लेकिन घर आया तो देखा ऑरेंज कार खड़ी थी। ऐसा बाहर आया हुआ राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, मैं वो कार फेंक के आ सकता हूँ और अपने पैसे मांग सकता हूँ। लेकिन अब मैंने शोरूम वाले को बोला यार तेरे को मैंने लाल कार बोली थी, तूने ऑरेंज कार क्यों भेजवा दी? तो बोले कोई बात नहीं सर, आप वापस कर दो। मैं बोला लाल कार कब देगा? बोले उसमें तो कम से कम 1 साल लगेगा, लाल कार की अभी शॉर्टेज चल रही है। अब सोचो शोरूम वाला तो बोल रहा है ला ऑरेंज कार लौटा दे, पैसे दे देता हूँ तेरे को, पर आपको कार भी तो चाहिए। बोलते चल ठीक है भाई, काम करता ऑरेंज वाली भी रख लेता, इतनी बुरी नहीं दिख रही है। लेकिन मैंने 50,000 तेरे को लाल वाली के लिए दिए थे ना, वो लौटा दे। अगर तू 50,000 रुपये मेरे लौटाता है तो मैं ये ऑरेंज कार भी रखने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, वॉलेंटरीली ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान रहा हूँ, केवल डैमेजेस मांग रहा हूँ और मैं रेप्यूडिएट नहीं कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट को। दुकानदार शोरूम वाले को पता है, हाँ मेरे को पता है, ले जा 50,000 रुपए, कार सेल हो गई। तो इसका मतलब क्या है, जहां पे बायर वॉलेंट्री ट्रीट करता है ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी, ये बायर चाहे तो कर सकता है, लेकिन एक बार ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी किया, 3 दिन बाद फिर फोन करके बोल सकता है बदतमीज लाल कार मांगी थी ऑरेंज कार क्यों भेजी? अभी सेलर ने क्या बोलना, दिमाग खराब है तेरा, फोन रख। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में क्या, नाउ कैन यू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द सेम ग्राउंड? द आंसर इज नो, फिर आप रेप्यूडिएट नहीं कर सकते। एक बार कॉटन वाली वॉशिंग मशीन एक्सेप्ट कर लिया आपने और जो भी नुकसान हुआ था वो डैमेजेस दुकानदार ने दे दिए, उसके बाद आप 3 दिन बाद उसको वापस फोन कर बोला यार कॉटन वाली वॉशिंग मशीन भेज दी, बोले दिमाग खराब है तेरा, फोन रख। तो इसका मतलब क्या उस ग्राउंड पे सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो सकता है? द आंसर टू इट विल बी नो। तो एक सवाल आएगा कब कब ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी और डिफरेंशिएट बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। तो कल को अगर आपने कंडीशन और वारंटी में डिफरेंशिएट करना हो तो सबसे पहले तो आप दोनों का मतलब लिख सकते हैं कि कंडीशन क्या है। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन व्हिच इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और वारंटी इज स्टिपुलेशन व्हिच इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, रेप्यूडिएट और डैमेज क्लेम कर सकते हैं, इसमें केवल डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार आपके पास रहता है। ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप कभी भी ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हैं, ब्रीच ऑफ वारंटी को कभी भी ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट किया जा सकता है? आंसर इज नो। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन वारंटी हो सकता है लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी कभी भी ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं बन सकता। और उनका सेक्शन का रेफरेंस देना हो तो 12 सबसेक्शन 2 और 12 सबसेक्शन 3 उसका लीगल रेफरेंस है, जहां पे ब्रीच ऑफ कंडीशन और ब्रीच ऑफ वारंटी है। तो इस तरीके से आप इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो, राम कंसल्ट श्याम अ मोटर कार डीलर फॉर अ कार सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस। तो उसने पर्पस बता रखा था ना,
टू प्रमोट द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट श्याम सजेस्ट मारुति, बताओ श्याम ने क्या सजेस्ट कर दिया, ये मारुति कार ठीक रहेगी, टूरिंग पर्पस के लिए मारुति कार लेके जाएगा, चढ़ने से पहले उतर जाएगी कार। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे इन दिस केस कार टर्न्स आउट टू बी अनफिट फॉर दिस पर्पस। तो बताइए एज अ बायर कैन यू रेप्यूडेट द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, कि भैया तेरे से कौन सी कार मांगी थी और तूने कौन सी कार दे दी। करेक्ट, इन दिस केस राम इज व्हाट राइट राम इज हैविंग अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो क्या रेमेडी अवेलेबल है। तो अगर ये सवाल है तो यही सवाल का जवाब है, दिस इज द आंसर। अगर सवाल था तो उसका जवाब क्या है, हियर द टर्म कार शुड बी सुटेबल फॉर टूरिंग कंडीशन, टूरिंग पर्पस। बायर ने ये बताया था ना आपको कि मुझे कार क्यों चाहिए, और आपने बोला ये वाली कार तेरे लिए ठीक रहेगी, तो इसका मतलब आप उसे एक स्टेटमेंट दे रहे हो, एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो विच इज सो असेंशियल टू दैट इट अफेक्ट द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही आपने बोला ये वाली कार ठीक रहेगी, बायर ने ना कुछ नहीं सोचा कुछ नहीं समझा, सीधा कार खरीद ली क्योंकि वो आप पे भरोसा करता, और अब वो कार अगर उस पर्पस की नहीं निकली तो आपकी तो जवाबदारी थी ना ये। इन दिस केस इट इज अ कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज सो वाइटल कि इट्स नॉन फुलफिलमेंट डिफीट द वेरी पर्पस फॉर विच राम परचेज द कार। मेरे को कार थोड़ी खरीदनी थी, मेरे को टूरिंग वाली कार चाहिए, मेरे को वॉशिंग मशीन थोड़ी खरीदा, मेरे को वुलन वाली वॉशिंग मशीन चाहिए, कार तो 10 है, रेड वाली कार चाहिए थी मेरे को। तो इसका मतलब मैंने पर्पस बता रखा था ना कि 20 किलोमीटर पर लीटर माइलेज वाली कार चाहिए, ऐसे कार तो 15 पड़ी है मेरे पास, लेकिन 20 किलोमीटर माइलेज वाली एक भी कार नहीं है, मुझे वही कार चाहिए थी। बायर हैड मेड नोन द सेलर द पर्पस, और फिर आपने बोला ये वाली कार ले जा, ये वाला टीवी ले जा, फ्रिज ले जा, तेरे कहने पर मैंने वो चीज खरीदी। नाउ इट्स अ कंडीशन, राम इज देयरफॉर एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द कार एंड हैव रिफंड फॉर द प्राइस। तो वो क्या कर सकता है, मांग सकता है, लेकिन कब कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। तो जैसे पहला बताया था सेक्शन 13, दो या तीन सवाल ही बनते हैं इस चैप्टर से और कॉमन रिपीटेटिव सवाल है कि कब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है। तो नंबर वन, जहां पे वॉलेंटरिली बायर जो है वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर दे, कि वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, बायर मे वेव द कंडीशन और इलेक्ट टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट एज अ ग्राउंड फॉर ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएट। तो ये क्या है, एक तरीके का वॉलेंट्री वेवर था जो बायर ने सेलर को दे दिया कि भाई देख मेरे को चाहिए तो लाल वाली कार थी, पर तू चल अभी ऑरेंज वाली लाया, रख लेता हूं, ठीक है 50,000 डैमेज का दे देना, तो आई एम नॉट रेप्यूडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। चाहिए तो मेरे को वुलन वाली वॉशिंग मशीन थी, तूने कॉटन वाली दे दिया, चाहू तो वॉशिंग मशीन फेंक सकता हूं तेरे यहां ब्रीच ऑफ कंडीशन मान के और डैमेजेस ले सकता हूँ, लेकिन चल ठीक है कॉटन वाली भी बहुत पुरानी थी तो अच्छी है तेरी ये वाली वॉशिंग मशीन, रख लेता हूँ, सिर्फ वो जो कपड़े का नुकसान हुआ वो नुकसान का डैमेजेस दे दे। तो बायर दे हिमसेल्फ इज ट्रीटिंग ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ब्रीच ऑफ वारंटी, और एक बार ट्रीट कर दिया तो क्या भविष्य में वापस से वो ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन बोल सकता है कि भैया मैं तो तेरे पास आया था, बोला था वुलन वाली वॉशिंग मशीन दे, तूने कॉटन वाली क्यों दी। ये बता दिया था ना 3 दिन पहले तो तेरे को कि वो कॉटन वाली है वापस कर दे, तू नहीं बोला कि नहीं ठीक है कॉटन वाली भी रख लेते हैं डैमेजेस दे दे, अभी डैमेज दे दिया तो फिर आके 2 दिन बाद फिर बोलता है ये तो वुलन वाली है ही नहीं वॉशिंग मशीन, एक बार में तेरे को समझ में नहीं आता। तो इसका मतलब क्या दोबारा आप रेप्यूडेट कर सकते, आंसर इज नो। वैसे ही दूसरा है 13 सबसेक्शन 2, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सीवियरेबल, नॉट सीवियरेबल याद करो, तो नॉट सीवियरेबल ये वर्ड कई बार आता है हमारे सामने, नॉट सीवियरेबल मतलब इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो याद करो कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज का हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1,000 किलो बासमती राइस का फॉर अ सर्टेन प्राइस, तो एक क्वालिटी, अब इनकी भी अलग अलग क्वालिटी होती है, तो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो 1,000 किलो बासमती राइस का कॉन्ट्रैक्ट किया था एट 100 पर केजी। लेकिन जब बाद में वो राइस आया तो उसमें हमने देखा कि बासमती के साथ बास और मती ये सब टाइप की क्वालिटी मिक्स थी। अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में कॉन्ट्रैक्ट तो बासमती राइस का हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट में बासमती कम और बास ज्यादा है, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में एज अ बायर देखा जाए तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है, क्योंकि मुझे बासमती राइस चाहिए था और आपने कौन सा राइस दे दिया, मुझे ए क्वालिटी राइस चाहिए था आपने बी क्वालिटी राइस दे दिया, एज अ बायर आई हैव अ राइट टू रेप्यूडेट द कॉन्ट्रैक्ट, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडेट कर सकता हूं। लेकिन अब मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट में वो बासमती राइस भी है, बास भी है और मती भी है, मिक्स है, तो अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि वो मिक्सचर में जो 100 किलो चाहिए था उसमें बासमती कितना अलग कर लू, बास कितना अलग कर लू और मती कितना अलग कर लू और उसमें बासमती वाला चावल रख लू, ऐसा तो नहीं हो सकता, इट इज नॉट सीवियरेबल। तो
बायर के पास ऑप्शन क्या है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट का राइट था रेप्यूडिएट कर दे ब्रीच ऑफ कंडीशन बोल के कि भैया ए क्वालिटी राइस की बात हुई थी आप बी क्वालिटी क्यों दे रहे हैं, आई एम रेप्यूडिएटिंग, पूरा का पूरा राइस वापस ले जाइए, पैसे दीजिए और जो नुकसान हुआ उसका डैमेज दीजिए, ये कर सकते थे। लेकिन मैंने पहली दुकान से ऐसा किया, दूसरी दुकान से ऐसा किया, तीसरी दुकान से ऐसा किया, चौथी दुकान से ऐसा किया, फिर समझ में आ गया कि सब दुकानदार ऐसे ही रखते, वो बोलते बासमती राइस है लेकिन जब उनसे राइस होते वो बास और मती मिक्स होता है। अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आप करूं तो करूं क्या, हर का चावल लौटाता रहूंगा तो खाऊंगा क्या, तो इसलिए अब मैंने उनको बोला ठीक है, वैसे तो चाहूं तो मैं ये सारी चावल की बोरियां आपको फेंक के आ सकता हूं, लेकिन चलो ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन मैंने आपको जो कीमत दिया था वो 100 रुपए किलो बासमती का दिया था, ये तो मिक्स है बासमती वाला 80 रुपए, 80 रुपए लगाओगे तो मैं ये 100 किलो रखने के लिए तैयार हूं, 20 रुपए पर केजी मेरे को लौटा दो। याद है ऑटोमेटिकली मैंने क्या किया, डैमेज क्लेम कर लिया, दुकानदार को भी पता है हाँ 100 रुपए मैंने बासमती का लिया था और ये तो मिक्स चावल दे रहा हो, तो ठीक है चलो 80 रुपए मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मतलब दुकानदार ने ऑटोमेटिकली डैमेजेस भी दे दिया। तो जब डैमेजेस दे दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट हो गया ना फ्रॉम ब्रीच ऑफ कंडीशन टू ब्रीच ऑफ वारंटी। 2 दिन बाद फिर जाके बोलते यार ये तो बासमती है ही नहीं, ये तो बास और मती है, अब सेलर ने क्या करना है समझ गए। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में आप क्या रेप्यूडेट कर सकते हो, आपने तो कन्वर्ट कर दिया ना ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सिवियरेबल, जहां आप अलग अलग नहीं कर सकते, एंड बायर इज एक्सेप्टेड, तूने एक्सेप्ट कर लिया ना, नहीं करता तब तक बात ही अलग थी, तूने क्यों एक्सेप्ट किया द गुड्स और पार्ट देयर ऑफ। अब बायर क्या कर सकता था, या तो पूरा का पूरा गुड्स एक्सेप्ट कर लेता 1000 किलो, या कई बार वो ये बोलता देख भैया 1000 किलो तो मैंने बासमती का बोला था ये मिक्स है, तो चल ठीक है मैं चाहूं तो पूरा 1000 किलो लौटा सकता हूं, पर चल ठीक है 600 किलो रखता हूं, 400 लौटा रहा हूं 600 रखता हूं, पार्ट में भी कर सकता। तो जो पार्ट आपने एक्सेप्ट कर लिया वो तो हो चुका वो कॉन्ट्रैक्ट, अब आप उसको फर्दर इसी ग्राउंड पे फ्यूचर में रेप्यूडिएट नहीं कर सकते। द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर कैन ओनली बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, अब वो ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं वो ब्रीच ऑफ वारंटी बन जाएगा, एंड नॉट एज अ ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द गुड्स एंड ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड अनलेस द टर्म इन अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस इंप्लाइड टू दैट, अनलेस बात कुछ और, बट इन जनरल कोर्स तो अब आप क्या रेप्यूडिएट कर सकते हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट को, द आंसर इज नो, अब आप रेप्यूडिएट सेम ग्राउंड पे नहीं कर सकते। वैसे 13 सबसेक्शन 3 तीसरा और आखिरी केस है जहां पे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ या गवर्नमेंट के कारण कोई चीज को आप फुलफिल नहीं कर पाते, तो जो चीज एक असेंशियल पार्ट थी कॉन्ट्रैक्ट की अब क्योंकि गवर्नमेंट के कारण आप वो पूरा नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू चेंज इन लॉ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, तो ऑटोमेटिकली वो ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी बन गया। याद करिए वही टीवी एक्सपोर्ट का काम था जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, तो अब अगर बैन हो गया तो ये असेंशियल था टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मुझे टीवी तो देना चाहिए था लेकिन अब मैं एक्सपोर्ट कर पा रहा हूं क्या, नहीं क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रीच ऑफ कंडीशन एक ब्रीच ऑफ वारंटी। अभी बायर जो था बोला था भैया कॉन्ट्रैक्ट 1000 टीवी का हुआ था कि तू मुझे भेजेगा, 200-200 करके तूने अभी तक 600 टीवी भेजी है, 400 तो भेजी नहीं, मैं रेप्यूडिएट कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट, 600 टीवी भी ले जा, क्या ये ब्रीच ऑफ कंडीशन होगा। अभी बाय सेलर बोलेगा भैया मैं क्या करूं गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो 600 टीवी जो भेजी है वो तू रख, 400 ही कैंसल हुआ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में 400 का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है पर 600 तो वैलिड है। अभी बाहर बोलता है उसके भी पैसे नहीं दूंगा, तो क्या बायर ऐसा बोल सकता है, आंसर इज नो। एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू सप्लाई बी 10 बैग्स ऑफ फर्स्ट क्वालिटी शुगर एट 625 पर बैग बट सप्लाई सेकेंड क्वालिटी शुगर द प्राइस ऑफ विच इज 600 पर बैग। बताओ बड़ा कॉमन सा सवाल है ना, ऐसा प्रैक्टिकल सवाल आ जाएगा कि पहला क्वालिटी शुगर की बात हुई थी 10 केजी 600 10 बैग 625 पर बैग में, लेकिन दुकानदार ने सप्लाई कर दिया सेकेंड क्वालिटी बैग जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 600 रुपए होती है, तो देखा जाए तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है क्योंकि प्रोडक्ट ही दूसरा आ गया। मैं आपसे मांगा था फर्स्ट क्वालिटी बासमती, आपने सेकेंड क्वालिटी बास चावल दे दिया। अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में पहला तो सबसे सिंपल राइट है कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट ही रेप्यूडिएट कर दूं कैंसिल कर दूं, लेकिन जब मुझे पता चलेगा कि सब लोग यही क्वालिटी राइस रखते हैं तो फिर क्या कर सकता हूं, आई कैन माई सेल्फ कन्वर्ट ब्रीच ऑफ कंडीशन टू ब्रीच ऑफ वारंटी, और मैं बोलूंगा चलो ठीक है भैया जो बस वो डिफरेंस था वो डैमेजेस दे दो तो मैं आपका सेकेंड क्वालिटी राइस भी रख सकता हूँ। सो देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स, बट इफ द बायर सो इलेक्ट्स He may treat it as a breach of warranty and accept second quality sugar and claim damages of purchase. So as a buyer, आप ये right claim कर सकते हैं, correct? तो इन instances में breach of condition जो है वो breach of warranty में बदल जाता है, ठीक? So this treats breach of और कितना famous है सवाल आप अंदाजा लगा सकते हैं।
छूटा ही नहीं कोई अटेम्प्ट जिसमें ये सवाल नहीं। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन और ब्रीच ऑफ वारंटी और कंडीशन वारंटी में फर्क, एक कॉमन सवाल जो इस चैप्टर से आएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते तो कंसिडरेशन, जैसे कंसिडरेशन था लिमिटेड टॉपिक और सवाल आने ही जाना है, वो 7 नंबर का ही सवाल बन जाता है सीधा। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऑप्शन ही नहीं, लिखो वहां पे वो 7 पर। तो सेम चीज यहाँ पे, तो ये सवाल कॉमन है। कंडीशन वारंटी में फर्क बताइए, और बताइए व्हेन ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, 4 नंबर 5 नंबर का सवाल है। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें दो ही तो टॉपिक है, एक है इंप्लाइड कंडीशन और एक है इंप्लाइड वारंटी। 7 नंबर का सवाल आएगा इंप्लाइड कंडीशन के ऊपर, 4 नंबर का सवाल आएगा इंप्लाइड वारंटी के ऊपर। तो अब इंप्लाइड कंडीशन क्या है, तो यानी बाय डिफॉल्ट एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इंप्लाइड का मतलब ही क्या होता है, ऑटोमेटिक, यानी माना जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशंस इंप्लाइड है। और अगर कोई कंडीशंस ऑटोमेटिकली इंप्लाइड है, अगर कल को उस कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज मिसिंग हुआ, तो यानी बायर का एक राइट आ जाएगा, और वो राइट रहेगा टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, एंड अगर इसकी वजह से कोई नुकसान है तो क्लेम डैमेजेस इफ एनी। तो ऐसी कौन कौन सी इंप्लाइड कंडीशन है, तो ऐसी 7 इंप्लाइड कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन एज टू टाइटल, नंबर 2 कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, नंबर 3 सेल बाय सैंपल, नंबर 4 सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, नंबर 5 कंडीशन एज टू क्वालिटी फिटनेस, नंबर 6 कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, एंड नंबर 7 कंडीशन एज टू होलसमनेस। तो ये 7 इंप्लाइड कंडीशन है जो मानी गई है करेक्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कल को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है तो उसमें ये 7 बातें बाय डिफॉल्ट शामिल हैं ऐसा माना जाएगा। तो इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, सबसे बेसिक एक इंप्लाइड कंडीशन। आप कोई भी दुकान में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वो दुकानदार को ऐसे नहीं बोलते कि भैया अपनी वाली पेन बेचना, जिस पेन के आप मालिक हो वो पेन बेचना। आप कपड़े की दुकान में गए कपड़ा खरीदने, तो दुकानदार को ये नहीं बोलते भैया जिस कपड़े के मालिक आप हो वो वाला कपड़ा बेचना, उसको आप बोलते कपड़ा बताओ कपड़ा बेचो। तो इसका मतलब ये इंप्लाइड है कि जो चीज सेलर बेच रहा है सेलर उस चीज का मालिक है। अगर मैं आपको ये पेन बेच रहा हूं, इसका मतलब ये इंप्लाइड है कि मैं इस पेन का मालिक हूं। कारण नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, नो वन कैन सेल समथिंग ऑफ इट इज नॉट द ओनर देयर ऑफ। अगर ये पेन मेरी थी नहीं तो ये पेन मैं आपको बेच सकता हूं क्या? आज मैं आपको ये कंप्यूटर बेचना चाहता हूं, बेच सकता हूं क्या? जो चीज मेरा है नहीं वो बेचूंगा कैसे? जो चीज मेरी है वो तो बेच सकता हूं। तो ये एक इंप्लाइड कंडीशन है कि अगर मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूं तो एज अ बायर आप बाय डिफॉल्ट अज्यूम करके चल रहे हैं कि भैया आप जिससे चीज खरीद रहे हैं वो उस चीज का मालिक है। दैट इज इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। और इसका मतलब कल को अगर यही कंडीशन ब्रीच हुई और साबित हो गया कि मैंने जो चीज आपको बेची थी वो चीज का मालिक ही मैं नहीं था, तो एज अ बायर आपका क्या राइट, क्या रेमेडी अवेलेबल है? आप वो गुड्स लौटा सकते, और गुड्स लौटा के जो भी पैसे थे आप वो पैसे मुझसे क्लेम करेंगे। याद करो सिंपल सा एग्जाम्पल, चोरी वाली कार। तो एक्स ने एक कार चोरी करके लाया और वाई को बेच दिया। वाई इनोसेंट बायर, उसे नहीं पता था कि चोरी वाली कार है, उसने पैसे देके कार खरीद ली जबकि कार जेड की थी। अब वही कार वाई जब मार्केट में लेकर घूम रहा था, एक दिन जेड देखा, बोले कार देखी देखी लग रही है, कलर देखा देखा लग रहा है, इसका तो नंबर भी देखा देखा लग रहा है। फिर समझ में आता है ये तो मेरी कार है। अब वो कार वाले को रुकवाता, बोलते ये कार तो मेरी है, कहां से लिया? बोले 2 महीने पहले खरीदा हूं। बोले चोरी की कार खरीदा? बोले जवान संभाल के मैंने पैसे देके खरीदी है। बोले पैसे देके खरीदी हो तो क्या हुआ, किससे खरीदी? बोले एक्स। बोले उसी ने तो चोरी की थी मेरी कार। तो अब अगर एक्स ने चोरी की थी तो वाई बोलता है मैं तो पैसे देके खरीदा हूं, मैं नहीं लौटाऊंगा। 5 नंबर का सवाल, बताइए क्या वाई को जेड को कार लौटानी पड़ेगी कि नहीं लौटानी पड़ेगी? व्हाट रेमेडीज विल द बायर हैव? तो कार लौटानी पड़ेगी कि नहीं? द आंसर इज यस, क्योंकि अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव तो बायर का टाइटल उससे बेटर हो ही नहीं सकता। बायर एक्वायर्स नो बेटर टाइटल देन द सेलर, तो बायर का भी टाइटल डिफेक्टिव। तो अगर सेलर वो गुड्स का ओनर नहीं था तो बायर कैसे बन सकता है? इसलिए हेल्ड बायर को वो गुड्स लौटाने पड़ेंगे उसके ओरिजिनल ओनर को। लेकिन फिर आप बोलेंगे सर इससे तो नुकसान हो गया इनोसेंट बायर का, तो इसीलिए तो ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन है। और अब वो इनोसेंट बायर यानी वाई के पास क्या ऑप्शन रेमेडी अवेलेबल है? वाई एक्स के खिलाफ एक्शन ले कि भैया तूने मुझे ऐसी चीज बेच कैसी दी जिस चीज का तू मालिक ही नहीं था, तूने ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल किया प्रैक्टिकली। और जब कोई ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल है, हेल्ड कॉन्ट्रैक्ट तो रेप्यूडेटेड, वो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हुआ ही हुआ है, पूरे पैसे दे, और जो डैमेजेस हुआ है वो डैमेजेस अलग दे तेरी वजह से। सो दैट्स अ ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। तो इसी के लिए जो मैक्सिम था वो मैक्सिम था नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, यानी नो वन कैन सेल समथिंग ऑफ विच इज नॉट द ओनर देयर ऑफ, या कोई भी व्यक्ति वही चीज बेच सकता है जिसका वो मालिक है। ठीक, सेकेंड है सेल बाय डिस्क्रिप्शन।
कई बार गुड्स को उसके डिस्क्रिप्शन के थ्रू बेचा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप साड़ी की दुकान में जाते हैं तो दुकानदार साड़ी नहीं बेचता, दुकानदार बनारसी साड़ी बेचता है। तो इसका मतलब दुकानदार क्या बेच रहा है, एक गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। अब बायर को बनारसी साड़ी चाहिए थी, वो बनारसी साड़ी समझ के खरीद के ले जाता है या ले जाती है, लेकिन बाद में जब घर जाती है तो पता चलता है वो तो सिर्फ साड़ी है, बनारसी तो है ही नहीं, छत्तीसगढ़ी साड़ी निकली। अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में व्हाट रेमेडी विल द बायर हैव, बायर कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन दिया था आपने गुड्स का वो तो डिस्क्रिप्शन निकला ही नहीं, आपने बोला था ये गुड्स बनारसी है, ये गुड्स तो छत्तीसगढ़ी निकले। तब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में रेमेडी क्या है, रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम डैमेजेस इफ एनी। तो ये ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन है फॉर सेल बाय डिस्क्रिप्शन का। तो कई बार गुड्स को जो डिस्क्रिप्शन बोल के बेचा जाता है, अगर गुड्स डू नॉट करेस्पॉन्ड टू दैट डिस्क्रिप्शन एज अ बायर, यू कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। याद करो वो बाऊजी वाला एग्जाम्पल। तो अभी वो जो स्टैम्प एक तरीके से खरीदा गया था गुड्स, अगर जो डिस्क्रिप्शन से खरीदा गया था, अगर वो डिस्क्रिप्शन को मैच ना खाए, बायर कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। वो मार्केट में आप पेठा खरीदने जाते ना, पेठा वही पेठा फेमस कहाँ का है, आगरे का। तो दुकानदार ने आपको बोला ये आगरे का पेठा है, आगरे का पेठा बोल के आप खरीद के लिए आते 5 किलो, घर में टेस्ट करते, ये तो आगरे का लगा ही नहीं, आगरे का पेठा का कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। पहला किलो टेस्ट किया, 1 किलो पेठा खाया नहीं समझ में आया, दूसरा किलो खा के देखा वो भी समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन इज टू टाइटल हो गया ना डिस्क्रिप्शन, कि भैया आपने डिस्क्रिप्शन दिया था आगरे का पेठा, ये तो आगरे का लग ही नहीं रहा है, ये तो छत्तीसगढ़ी पेठा लग रहा है, ये आगरे का पेठा कहाँ हुआ। तो एज अ बायर व्हाट रेमेडी विल द बायर हैव, कैन यू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, अगर दुकानदार ने ये बोल के बेचा था कि आगरे का पेठा, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन इज टू डिस्क्रिप्शन। वैसे ही तीसरा एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल इसके सिंपल सिंपल से समझने के लिए, एक मैंने आपको बताया आगरे का पेठा, एक बताया बनारसी साड़ी। वैसे एप्पल खरीदते तो एप्पल कहाँ की फेमस होती है, कश्मीर की होती है ना, दुकानदार बोल के बेचता है ना कश्मीरी एप्पल। तो अगर दुकानदार को ये बोल के बेच रहा है कि कश्मीरी एप्पल है, नॉर्मल एप्पल खरीदोगे 100 रुपए किलो, कश्मीरी एप्पल 500 रुपए किलो, अभी दुकानदार ने आपको कश्मीरी एप्पल बोल के बेचा 500 रुपए किलो में, घर गए देखा छत्तीसगढ़ी एप्पल, फिर एज अ बायर आपको क्या लग रहा है कि सेलर ने गलत किया ना आपके साथ, डिस्क्रिप्शन दिया क्या और बेचा क्या। तो कई बार गुड्स को डिस्क्रिप्शन जो बोला गया था, अगर वो डिस्क्रिप्शन जो दिया गया था गुड्स उस डिस्क्रिप्शन के मुताबिक नहीं हुआ, एज अ बायर यू कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस। तो जो चीज जहां की फेमस थी, एप्पल का कश्मीरी होना जरूरी था, पेठा का आगरे का होना जरूरी था और साड़ी का बनारसी होना जरूरी था, तो अगर ये सब छत्तीसगढ़ी निकले, एज अ बायर आई कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। इतना ही नहीं, कई बार आप चीज को उसके डायमेंशन शेप साइज से खरीदते हैं। तो मैंने उसको बोला था भैया एक डाइनिंग टेबल देना ओवल शेप वाली चाहिए, दुकानदार ने घर डाइनिंग टेबल भिजवा दी लेकिन ओवल की जगह सर्कल शेप की डाइनिंग टेबल आ गई। अभी आप उसको बोल सकते हैं कि नहीं तेरे को ओवल और सर्कल में फर्क समझ में नहीं आता, ओवल शेप डाइनिंग मशीन डाइनिंग टेबल बोला था तू सर्कल शेप बेचता है, कांट यू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। क्या इस ग्राउंड पे आप रेप्यूडिएट कर सकते हैं कि नहीं, ये ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन बोला था ओवल आ गया सर्कल, डिस्क्रिप्शन था सर्कल आ गया ओवल, रेक्टेंगल शेप बोला था ट्राइंगल शेप की डाइनिंग टेबल बेच दिया, अभी ट्राइंगल शेप में डाइनिंग टेबल कौन कैसी होती है, तो ऐसी कोई डाइनिंग टेबल बेचते हैं। तो इसका मतलब एज अ बायर यू कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, इज अ ग्राउंड ऑफ रेप्यूडिएशन। टाइल्स खरीदते हैं, ऐसे केस स्टडी बन के आएगा सवाल। तो टाइल्स उसका डायमेंशन होता ना कि 2x4 टाइल लगानी, 1x1 टाइल लगानी, 4x8 लगानी, कौन डायमेंशन वाली टाइल्स चाहिए आपको। तो अगर मैंने उसको बोला था भैया 2x4 डायमेंशन वाली टाइल्स भेजना, तो जब 2x4 बोला था तो टाइल्स 2x4 ही भेजना ना, अभी आपने 4x16 वाली टाइल्स भेज दी। मैंने बोला अभी 4x16 में कैसे लगाऊंगा, बोले नहीं अब आपने जितना बोला था उतना क्वांटिटी तो भेज दिया था, 2x4 में भी आपको 1000 स्क्वायर फीट चाहिए था, मैंने 1000 स्क्वायर फीट भेज दिया, 4x8 में भेज दिया, क्या दिक्कत है। मैंने बोला सारा का सारा टाइल्स उठाओ ले जा। कैन यू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, द आंसर इज यस, क्योंकि वो उस डायमेंशन को बिलोंग नहीं कर रहा जो डायमेंशन हमने डिस्क्रिप्शन में बोला। करेक्ट।
तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन में क्या बोला जाता है, गुड शुड करेस्पॉन्ड टू दैट डिस्क्रिप्शन, ये इंप्लाइड कंडीशन है, अदरवाइज एज अ बायर यू कैन रेपुडिएट द। तो तीसरा तरीका होता है सेल करने का, सेल बाय सैंपल, यही वही बाबू बाबूजी वाला केस। तो जब गुड्स को सैंपल के थ्रू बेचा गया था, जब बाबूजी ने वो सैंपल सेलेक्ट किए थे और जो सैंपल था वो सैंपल के बेसिस पे वीट को सेलेक्ट किया था, तो जब बल्क आता है बाबूजी के घर, बाबूजी वो बल्क को सैंपल से नहीं मिलाएंगे, और क्या वो बल्क का सैंपल के बराबर मैच खाना नहीं होना चाहिए? कल को जो बल्क आया और जो सैंपल हमको दिखाया गया था उसमें फर्क है, बताइए क्या बाबूजी वो बोरियां फेंक सकते हैं कि नहीं फेंक सकते? ही कैन डू दैट। क्यों? क्योंकि ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल है। जब आपने सैंपल के थ्रू जब मुझे बोला था कि भैया हमारे यहाँ ये क्वालिटी का वीट रहता है, और वो सैंपल के बेसिस पे मैंने बोला था 50 किलो वीट भिजवा दे रहा, तो आपने वो सैंपल में बताया कुछ और बोरियों में आया कुछ, इट इज ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल, एज अ बायर यू कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। कई बार जब क्लॉथ परचेज करते हैं तो वो भी सैंपल से खरीदते हैं, भैया ये जो शर्टिंग शूटिंग खरीदना है इसका ये जो सैंपल नंबर 245 है, ये 245 सैंपल नंबर जो वॉयलेट कलर है, डार्क वॉयलेट, वो वाला कपड़ा भेज देना। अभी दुकानदार ने डार्क वॉयलेट तो भेजा, लेकिन देखा जाए तो जो सैंपल नंबर 245 था वो से मैच नहीं कर रहा। बोले कौन सा डार्क वॉयलेट है, उसमें सैंपल में दिख रहा था एकदम डार्क है, अभी जो भेजे वो तो लाइट वॉयलेट है। 1000 मीटर कपड़े आपने उससे खरीद लिए थे उस ग्राउंड पे सैंपल से, तो बल्क शूट करेस्पॉन्ड विद सैंपल। तो जब सैंपल से बेचा जाए तो दो बातें पूरी होनी चाहिए, पहली बात तो बल्क शुड करेस्पॉन्ड विद सैंपल, और दूसरी बात बायर शुड बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन। कल को बायर को इंस्पेक्शन का मौका नहीं दिया गया, और बल्क अगर सैंपल से मैच नहीं खाया, एज अ बायर आई कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम फॉर डैमेजेस इफ एनी, ये आपका राइट हो जाता है फॉर सेल बाय सैंपल। तो चौथी इंप्लाइड कंडीशन होती है सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। तो जब गुड्स को सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के थ्रू बेचा जाए, अगर कश्मीरी एप्पल टेस्ट कराई और कश्मीरी एप्पल बोल के बेचा, तो वो एप्पल की दोनों बातें पूरी होनी चाहिए। पहली बात तो जो सैंपल दिया था बल्क में वही एप्पल आनी चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो एप्पल कश्मीरी होनी चाहिए। अगर जो सैंपल में था वही घर आया लेकिन वो एप्पल कश्मीरी नहीं थी, तो भी मैं एप्पल को रेप्यूडिएट कर सकता था। वो एप्पल तो कश्मीरी थी लेकिन जो टेस्ट कराया था सैंपल वो कुछ और था। मैंने बोला यार वहां खिलाया कुछ और था, यहाँ घर में भेजा कुछ और है, ये मैपल में मजा नहीं आ रहा, लेकिन बोले कश्मीरी तो है। मैंने बोला तो क्या हो गया, सैंपल तो कुछ और था लगता है। तो जब गुड्स को सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों बता के बेचा जाता है, तो दोनों बातें पूरी होनी चाहिए। गुड शुड करेस्पॉन्ड, बल्क शुड करेस्पॉन्ड विद द सैंपल, एंड गुड शुड बी बिलोंगिंग टू दैट डिस्क्रिप्शन जो प्रोवाइड किया गया था, तो वो डिस्क्रिप्शन भी वही होना चाहिए जो दिया गया था। अगर दोनों में से एक भी है, सैंपल है डिस्क्रिप्शन नहीं है, डिस्क्रिप्शन है सैंपल नहीं है, एज अ बायर यू कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कंडीशन एज टू सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन की बात होगी। ठीक उसी के बाद अगर कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस की बात करें, तो सबसे पहली बेसिक बात हमें पता होना चाहिए कि ऐसी कोई इंप्लाइड कंडीशन होती ही नहीं है किसी प्रोडक्ट। सेलर कोई प्रोडक्ट को बेचता है पर उसकी क्वालिटी क्या होगी, फिटनेस लेवल रहेगा कि नहीं रहेगा, एज अ सेलर आप नहीं बता सकते कि हर प्रोडक्ट फिट फॉर यूज रहेगा कि नहीं रहेगा। तो लेट द बायर बी अवेयर। यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन लगता है वो लगता है डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियट एम्प्टर, यानी इस केस में इट इज द ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर कि वो जो चीज खरीद रहा है उस चीज की उसको जरूरत है कि नहीं है, ये लेट द बायर बी अवेयर। ये सेलर की जवाबदारी नहीं है कि वो क्वालिटी बताए, फिटनेस बताए कि आपके काम आएगी कि नहीं, यूज बताए। आप खरीदने आए, आप जानिए, आपने सेल देखा, पर्दे खरीद के ले गए, फिर बाद में घर जाके देखा तो पता चला खिड़की नहीं थी। क्या ये सेलर की जवाबदारी है बेचने से पहले आपसे पूछे कि भैया पर्दे खरीद रहे हो, घर में खिड़की है कि नहीं? ये बायर की जवाबदारी, लेट द बायर बी अवेयर, डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियट एम्प्टर। कल को आप इस ग्राउंड पे पर्दे रिटर्न करने जाना चाहते हो ये बोलकर कि भैया तूने मुझे पर्दे बेच दिए, जबकि ये भी नहीं पूछा कि मेरे घर खिड़की है कि नहीं। कैन बायर रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन दिस ग्राउंड एज टू क्वालिटी फिटनेस, कि भैया ये तो गुड फिट फॉर यूज ही नहीं है, कहां लगाऊंगा मैं ये पर्दे, तूने बोला था खिड़की में लगा देना, मेरे पास तो खिड़की नहीं है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में क्या इट गिव्स ग्राउंड टू द बायर टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट इन ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन? द आंसर इज नो। तो बाय डिफॉल्ट ये ब्रीच ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन होता ही नहीं है। लेकिन तीन बातें अगर पूरी हो तो ये ब्रीच भी ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन हो जाएगा। नंबर वन, बायर हैड मेड नोन द सेलर द पर्पस फॉर विच इज बाइंग द प्रोडक्ट, यानी बायर ने सेलर को पर्पस बता रखा था कि उसे गुड्स क्यों खरीदना है। नंबर टू, सेलर का वही चीज का काम है, सेलर हैज बिन ऑर्डिनरीली डीलिंग ऑन दोज गुड्स। एंड नंबर थ्री, केवल काम ही नहीं है,
बायर हैड रिलाइड अपॉन द स्किल जजमेंट ऑफ द सेलर। तो मैंने बता रखा था मुझे टूरिंग वाली कार चाहिए, आई मेड नोन द पर्पस फॉर विच आई वॉन्ट द कार। तेरा कार का ही काम है, सेलर हैज बीन ऑर्डिनरीली डीलिंग इन सेल परचेज ऑफ कार। मैंने पर्पस बता रखा, तेरा उसी चीज का काम है, और तूने मुझे क्या बोला था? दिस कार विल सूट यू, यही तूने बोला था। आई रिलाइड अपॉन योर स्किल। मैंने सोचा यार तेरा रोज का काम है, तू बोल रहा है ये कार आ जाएगी टूरिंग में काम, तो मैंने भरोसा कर लिया और ले लिया ये कार। फिर बाद में पता चला तूने तो मारुति बेची। भाई इस ग्राउंड पे क्या ये ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस हुआ कि नहीं? क्या ये गुड्स वो फिटनेस के लायक है जो मुझे चाहिए, जो क्वालिटी मुझे चाहिए वो गुड्स उसके लायक है? माने तुझे बोला था ना वुलन वॉशिंग मशीन चाहिए, तो आई हैड मेड नोन द सेलर द पर्पस फॉर विच आई वॉन्ट द गुड्स। वॉशिंग मशीन तो कहीं आती है, लेकिन मुझे वुलन वॉशिंग मशीन चाहिए। तेरा उसी का काम है, यू आर डीलिंग इन दोस गुड्स ऑर्डिनरीली, और तूने क्या बोला था ये वाली वॉशिंग मशीन काम आएगी आपके लिए, और तेरे कहने पे मैंने वो वॉशिंग मशीन खरीद ली थी। तो आई रिलाइड अपॉन द स्किल जजमेंट ऑफ द सेलर इज वेल। तो जहां ये तीनों बातें पूरी हो जाए तो ऑटोमेटिकली फिर क्या है? फिर ये ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस हुआ कि नहीं हुआ? द आंसर टू इट इज यस, ये ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी फिटनेस हो गया। तो इसलिए जब भी कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस आएगा तो ये तीन इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अपने आंसर में डालनी ही डालनी है, तभी ये ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी फिटनेस होगा। कि नंबर वन पर्पस बता रखा है, नंबर टू तुम्हारे स्किल पे डिपेंड करते हैं, एंड नंबर थ्री तुम्हारा ऑर्डिनरली उसी चीज का काम है। जहां ये तीनों बातें पूरी होती है और उसमें कोई भी ब्रीच हुआ तो ये ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन। लेकिन उसमें भी ये ब्रीच तब ब्रीच नहीं बनेगा अगर मैंने आपको जो प्रोडक्ट बेचा है वो किसी ब्रांड नेम ट्रेडमार्क के अंदर बेचा है। तो मान लो मैंने आपको कोई प्रोडक्ट, मैंने आपको एचपी का लैपटॉप बेचा है, आपने बताया था आपको लैपटॉप चाहिए एक पर्पस के लिए बताया था, मैंने वो देखा मेरा वही लैपटॉप बेचने का काम है, तो मैंने बोला आप जो बता रहे हो ना उसके हिसाब से इतने सारे लैपटॉप में ये एचपी वाला लैपटॉप आपके काम, ये वाला लैपटॉप तेरे काम आएगा खरीद ले। अब आपने मेरे कहने पर वो एचपी का लैपटॉप खरीद लिया जो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कल को खराब हो गया, अभी खराब हुआ आप मेरे पास आते कैसा लैपटॉप बेच दिया? मैंने आपको पर्पस बताया था आपका ऑर्डिनरीली उस चीज का काम है, मैं आपके स्किल जजमेंट पे डिपेंड करता था, ब्रीच ऑफ कंडीशन लैपटॉप फेंक के जाना चाहते हो? क्या फेंक सकते हो? द आंसर इज नो। कारण मैंने बोला ये लैपटॉप मैं थोड़ी बैठ के बनाया हूं घर में, मैं तो आपको अंडर अ ट्रेड नेम बेच रहा हूं, ये ब्रांड तो एचपी का है, मैन्युफैक्चरर तो वो है, मैं थोड़ी हूं, तो मुझे क्या पता उसने मैन्युफैक्चरिंग में अगर कुछ कोई प्रोडक्ट खराब मैन्युफैक्चर हो गया तो उसमें मेरी क्या गलती? मैंने कोई जान के तो तेरे को खराब लैपटॉप दिया नहीं। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई प्रोडक्ट ट्रेड नेम ब्रांड नेम पे बेचा जाएगा तो इसमें सेलर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन। तूने खरीदा था एचपी का ब्रांड, तुझे पता होना चाहिए वो ब्रांड की वैल्यू है कि नहीं है और उसका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए कि नहीं। तो कल को जाके आपको बात करनी है तो एचपी से करो, मेरे से नहीं कर सकते। ज्यादा ज्यादा ठीक करके दे सकता हूँ, उसके चार्जेस जो भी होंगे अगर वारंटी गारंटी में नहीं होगा तो चार्जेस देने पड़ेंगे, वो कर सकता हूँ। इट इज नॉट ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, दैट इज कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। उसी प्रकार से जो सिक्स्थ कंडीशन थी, सिक्स्थ कंडीशन क्या है? कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। तो गुड जो बेचा जा रहा है वो मर्केंटेबल होना चाहिए। मर्केंटेबल का मतलब ही क्या होता है कि भैया जिस तरीके से बेच रहे हो कम से कम वो आगे यूज तो आना चाहिए। 100 टीवी मैंने आपसे खरीदी थी, आपने वो टीवी भेजी, लेकिन किस तरीके से भेजी? ट्रक में ऐसी टीवी चढ़ाया और ट्रक को भेज दिया। अभी ट्रक वाला जब ट्रक चलाता है तो क्या देखता है टीवी बराबर रखी हुई है कि नहीं? वो तो ट्रक चला रहे और तूने दोनों टीवी ऐसी रख दी बिना पैक किए, आपस में कोलाइड कर करके 100 में से 50 टीवी टूट गई। अब गलती किसकी? सेलर की। ऐसे बेचता कोई टीवी? पैकिंग तो करना चाहिए था। इज इट मर्केंटेबल? तूने ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी कर दिया। अभी मैं कैसे बेचू ये टीवी आगे किसी और को? बिना पैकिंग की टीवी बेचता है। तो एज अ बायर आई कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट। तूने कोई प्रोडक्ट बेचा स्क्रैच निकला, कम से कम पैकिंग अच्छे से करके देना चाहिए ना। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो ये ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी है, और अगर ये ब्रीच हुआ तो एज अ बायर आई कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन दिस। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज कंडीशन एज टू होलसमनेस। कंडीशन एज टू होलसमनेस की बात करते हैं तो ये अक्सर एसोसिएट किया जाता है खाने पीने की चीजों के साथ।
कि जब आप कोई भी खाने पीने की चीज खरीदते हैं तो एक बाय डिफॉल्ट अजम्पशन लेके खरीदते हैं कि इट इज फिट फॉर कंजम्पशन। तो इसलिए आप देखते हैं जब भी कोई मिठाई खरीदता है तो फिट फॉर कंजम्पशन होना चाहिए। कल को अगर उसमें कोई मिलावट पाई गई, बायर यू कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, इट गिव्स अराउंड फॉर ग्राउंड फॉर रेप्यूडिएशन एज ब्रीच ऑफ होलसमनेस। ये होलसमनेस की ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन थी। ये सात इम्प्लाइड कंडीशंस हैं जो मानी गई है। कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल, कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, करेक्ट, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी एंड कंडीशन एज टू होलसमनेस। ये सेवन इंप्लाइड कंडीशन है। तो ये सात पे थ्योरी का सवाल, व्हाट आर द वेरियस इंप्लाइड कंडीशन, या किसी भी एक केस पे प्रैक्टिकल सवाल, जितने भी केस स्टडी हुए हमने किए उस पे कोई एक प्रैक्टिकल सवाल दे देगा कि भैया सैंपल बताया कुछ और था और बल्क आया कुछ और, या इंस्पेक्ट करने नहीं दिए क्या, व्हाट रेमेडीज विल द बायर हैव। आप बोल सकते हैं ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल है, एज अ बायर यू कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका राइट है, राइट ऑफ रेप्यूडिएशन, करेक्ट। तो ये सब बेसिस पे आप रेप्यूडिएशन कर सकते हैं, दैट इज ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। बोलो इतनी बात क्लियर। तो वैसे ही अगला है इम्प्लाइड वारंटी। जैसे इम्प्लाइड कंडीशन के सात पॉइंट है, वैसे इम्प्लाइड वारंटी के चार पॉइंट है। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अनकंप्रेसिस, वारंटी एज टू क्वालिटी और यूसेज ऑफ ट्रेड एंड डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। तो ये कुछ इम्प्लाइड वारंटी है द ब्रीच ऑफ विच एंटाइटल्स अ बायर टू क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट एज अ ग्राउंड फॉर रेप्यूडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब जब आप कोई गुड्स खरीदते हैं और मान लीजिए जिससे खरीद रहे हैं ही वॉज द ओनर देयर ऑफ, तो ये ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल तो नहीं है। लेकिन जब आप गुड्स खरीदते हैं तो आप एक और चीज अज्यूम करते हैं ना कि नाउ यू हैव द अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन ऑफ गुड्स, कि अगर मैंने ये पेन एक बार आपको बेच दी तो आप ये पेन को जब चाहें जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ना। कोई डिस्टर्ब कर सकता है ऑन यू हैविंग पोजेशन ऑफ दिस पेन? नहीं। कार वाले ने एक बार आपको कार बेच दी, अभी आपका राइट है वो कार, राइट्स ऑफ बायर, यूज, फर्दर सेल, डिस्पोज, जो करना है करो, कार आपकी है, यानी अनडिस्टर्ब पोजेशन ऑफ कार आपके पास है कि नहीं। तो आप कोई भी प्रोडक्ट कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो उसमें एक इम्प्लाइड वारंटी शामिल होती है एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन ऑफ गुड्स। अब आप देखते हैं जैसे ही आपने कार खरीदी, हर आधे घंटे में एक व्यक्ति आता बोलता है ये कार अंदर रख दो, बाहर मत निकालना, कार चलाना मत, चाबी मेरे को दे दो। वो बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, आप एक टाइम के बाद सोचते हैं किससे कार खरीद ली मैंने। तो आप ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे यू आर द ओनर ऑफ दोस गुड्स, लेकिन ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में आपको अनडिस्टर्ब पोजेशन ही नहीं मिल रहा है। तो आप सेलर से बात करेंगे ना, भैया ये कैसी कार उठा के ले दी, चोरी वाली कार तो नहीं है? सेलर बोलता है नहीं कार मेरी, तो कौन परेशान कर रहा है मेरे को कब से? बोलता है कार मेरे को दे, कार मेरे को दे, कहां से लिया कार भाई, बात कर। तो इसका मतलब कल को अगर कोई नुकसान होगा, अगर डैमेजेस, तो वो इट डज नॉट गिव मी अ राइट टू रेप्यूडेट द कॉन्ट्रैक्ट, मैं कार ले जाके थोड़ी लौटाऊंगा। वो सदा बोलेगा रुक जाओ बात करता हूँ, कौन बदतमीज है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे यू कैन जस्ट क्लेम फॉर डैमेजेस, यू कैन नॉट रेप्यूडेट द कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड वारंटी इज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंस। जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट उसमें मान के चलते हैं कि कोई भी तरीके का एनकम्ब्रेंस नहीं है। एनकम्ब्रेंस यानी चार्ज नहीं है, चार्ज यानी लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी यानी दायित्व नहीं है। तो जब भी कोई गुड्स खरीदते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट मान के खरीदते हैं कि इस गुड्स पे किसी तरीके की लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। अगर उस गुड्स पे कोई लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है और सेलर ने बिना बताए बायर को ये चीज बेच दी, अब व्हाट रेमेडी विल द बायर हैव? वो गुड्स तो लौटा नहीं सकता क्योंकि ब्रीच ऑफ कंडीशन तो नहीं है। अब या तो वो सेलर को बोले कि भैया वो लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करो, मैंने तुम्हें पैसे देके ये चीज खरीदी है, जब मैंने तुझसे पैसे देके ये कार खरीदी है तूने ये कार किसी और के पास गिरवी कैसे रखवा दी? अभी जिससे पैसे लिए थे चल उसको पैसे लौटा, मैंने तेरे को पैसे देके कार खरीदी है ना, तो लौटा उसको पैसे। या ऑल्टरनेटिवली जिसको आपने कार गिरवी रखी थी वो बोलेगा भैया मेरे को पैसे चाहिए, तू दे या तू दे। तो अब मैंने कार क्योंकि खरीद ली थी तो दूसरा ऑप्शन क्या था कि मैं वो उसको पैसे दे दूं और जो पैसे मैंने दिए थे वो वापस से ओरिजिनल सेलर से रिकवर करूं। दिस इज ब्रीच ऑफ इंप्लाइड वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंस। मैं बोलूंगा तेरी वजह से अब ये नुकसान हुआ ना, मुझे वो सामने वाले को 5 लाख रुपए देने पड़े,
तूने वो कार गिरवी रखवा दी थी उसके पास, अब ये 5 लाख तेरे को देने पड़ेंगे, मैं रिकवर करूंगा विथ इंटरेस्ट, करेक्ट? तो ये सेकेंड ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू वारंटी। तीसरा इंप्लाइड कंडीशन एज टू वारंटी होता है वारंटी एज टू क्वालिटी और यूसेज ऑफ ट्रेड। यूं समझ लो ये सबसे बाय डिफॉल्ट सबसे बेसिक वारंटी होता है जो कोई भी प्रोडक्ट में एसोसिएटेड होता है जब आप खरीदते हैं। तो जब आप घड़ी खरीदते हैं तो पूछते हैं ना भैया क्या वारंटी गारंटी है इसकी, तो दुकानदार भी बोलते हैं ना साल भर तक कुछ भी खराब हो तो आ जाना घड़ी लेके। तो मतलब वो क्या है, वो बाय डिफॉल्ट इंप्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी एंड यूसेज ऑफ ट्रेड है ना। वाटर प्रूफ घड़ी है, तो पानी में डाले खराब हो गई तो प्रूफ है ना आपके पास कि ये वाटर प्रूफ नहीं है। तब आप क्या करेंगे, वही घड़ी लेकर जाएंगे ना दुकानदार के पास, दे देख पानी अंदर जम गया इसमें। तो अब वो रिपेयर करके डैमेज जो भी है मतलब रिपेयर करके दे देगा, वही घड़ी आप दूसरी जगह ठीक कराते तो आपको पैसे लगते, वो रिपेयर करके दे दिया तो डैमेज तो आपको अपने आप मिल ही गया ना कि घड़ी ठीक होकर आ गई वापस आपके पास, करेक्ट? तो ये ब्रीच ऑफ इंप्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी यूसेज ऑफ ट्रेड है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। तो जब भी कोई गुड्स अगर उसका नेचर डेंजरस नेचर है एंड द बायर इज नॉट अवेयर ऑफ, तो ये सेलर की जवाबदारी है कि वो डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स को डिस्क्लोज करके रखे। तो बायर वो ऐसे ही गुड्स देख रहा था, हर गुड्स एक एक करके टेस्ट कर रहा था, चेक कर रहा था, उसी में एक बॉक्स पड़ा था, आया उसको उठाया खोल दिया, अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि जैसे ही खोला वो ब्लास्ट हो गया गुड्स और सारे बाल बायर के खड़े हो गए। अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में सोचिए कम से कम ये लाइन तो लिखनी चाहिए थी ना कि इसमें हजार्डस मटेरियल है, सोच समझ के इसको ओपन करें। तूने कुछ नहीं लिखा, वो बायर ऐसे ही घूम रहा था, उसने हर चीज ओपन करके चेक करने का शौक है, इसको भी खोल दिया, और कहीं ऐसा आपने लिखा नहीं था कि कोई डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स है। तो ब्रीच ऑफ इंप्लाइड वारंटी हुआ कि नहीं? अभी वो बायर के जो बाल खड़े हुए उसको वापस ठीक करने पड़ेंगे, तो डैमेजेस क्लेम करेगा कि नहीं करेगा? ब्रीच ऑफ इंप्लाइड वारंटी, कौन सी वाली? फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। वो बंदूक खरीदने गए थे, बताना तो चाहिए कम से कम लोडेड है कि नहीं है। अभी बोला टेस्ट करके देंगे सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, अभी वो टेस्टिंग करना चाहता है राइट अप बायर, कम से कम बताओ तो सही कि उसमें लोड है। अभी वो टेस्टिंग करेगा, जिस पे टेस्ट किया वही नहीं रहा, बोले बताना तो चाहिए था कि इसमें गोली है, मर गया वो फोकट के। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू वारंटी हुआ कि नहीं? ये ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू वारंटी। तो डिस्क्लोजर, ये सेलर की जवाबदारी है कि अगर कोई गुड्स डेंजरस नेचर का है तो उसको डिस्क्लोज करके रखे, अदरवाइज इसे ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू वारंटी माना जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एक आध एग्जाम्पल देखते हैं या क्वेश्चन देखते हैं, मर्केंटेबिलिटी वाले क्वेश्चन पे देखो। मिस्टर अमित वॉज शॉपिंग इन अ सेल्फ सर्विस सुपर मार्केट, ही पिक्ड अप अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम अ शेल्फ। बताओ कोल्ड ड्रिंक उठाया, व्हाइल ही वॉज एग्जामिनिंग द बॉटल इट एक्सप्लोडेड इन हिज हैंड इन इंजर्ड डे, हो गया ना? ही फाइल्ड अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द ओनर ऑफ द मार्केट ऑन द ग्राउंड ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन डिसाइड अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट वेदर अमित वुड सक्सीड इन दिस क्लेम। तो भैया कम से कम उसकी पैकिंग तो बराबर रखनी थी, ऐसा ओपन बॉटल कौन रखता है? ओपन बॉटल रखा मैंने, ऐसी उठाया वो कांच की बॉटल थी, छूट गई। कम से कम पैकिंग तो अच्छी करनी थी, द ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी हेल्ड, उसकी वजह से जो हाथ में कांच चूक गया पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? डैमेजेस, मतलब वो डैमेजेस क्या होगा, वो खुद ही उठा के ले जाएगा तेरे को डॉक्टर के पास, चल मैं ही ठीक करवा देता हूँ, चल डॉक्टर के पास। तो इसका मतलब वो अपने आप डैमेजेस हो गया ना, प्रैक्टिकल अगर बात करें तो। यहाँ बोलते नहीं नहीं मैं खुद डॉक्टर हूँ, कर लूंगा 1,000 रुपये ला, भी वो भी ठीक हो गया, जैसे आप सेटल करना चाहें। ठीक, एक आधा और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ सैंपल डिस्क्रिप्शन बड़ा फेमस टॉपिक आता रहता है। जैसे देखो नवंबर 19, 6 मार्क्स का सवाल, क्या सवाल है, किससे रिलेटेड है? सेल बाय सैंपल। सवाल देखो, मिसेस गीता वेंट टू द लोकल राइस एंड व्हीट होलसेल शॉप एंड आस्क फॉर 100 किलो बासमती राइस है। देखो आ गया बासमती राइस, शॉपकीपर कोटेड द प्राइस एज 125 रुपए पर किलो, टू विच शी एग्रीड।
मिसेस गीता इंसिस्टेड दैट शी वुड लाइक टू सी सैंपल ऑफ व्हाट विल बी प्रोवाइडेड टू हर बाय द शॉपकीपर बिफोर शी एग्रीड अपॉन द सच परचेज. और क्या बोला दुकानदार को, पहले सैंपल दिखा दो, वो बासमती का सैंपल देखना है मेरे को. शॉपकीपर शोड हर अ बाउल ऑफ राइस एज सैंपल. बाउल में कुछ राइस के दाने डाले, बोला ये देखो ये है बासमती राइस. सैंपल एग्जैक्टली करिस्पॉन्ड्स टू द एंटायर लॉट. वो जो सैंपल है, जो सैंपल दिखाया गया, वो पूरे लॉट, पूरा लॉट बल्क भी वैसा ही है, बिल्कुल मैच खा रहा है. बायर एग्जामिन द सैंपल कैजुअली. ये देखो क्वेश्चन हिंट करता है कि गलती किसकी है. बायर ने क्या किया, यानी वो मिसेज गीता, उसको समझ तो आता नहीं क्या बासमती क्या बास और क्या मती, पर ऐसे ही देखे हाँ ठीक है ठीक है दे दो. तो सेलर ने सैंपल दिखाया, बायर ने देखा और फिर ऑर्डर प्लेस कर दिया, दे दो 100 किलो दे दो बासमती. फिर घर गए, देखते हैं क्या हुआ आगे. बायर एग्जामिन द सैंपल कैजुअली विदाउट नोटिसिंग द फैक्ट दैट इवन दो द सैंपल वॉज दैट ऑफ बासमती राइस, इट कंटेन्ड मिक्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन्स. बताओ तो मिक्स था ना, मिक्स क्वालिटी, मतलब बासमती में बास और मती मिक्स था. द कुक ऑन ओपनिंग द बैग्स, जैसे ही कुक ने वो बैग ओपन किया, कंप्लेन दैट द डिश इफ प्रिपेयर विद द राइस वुड नॉट टेस्ट द सेम एज क्वालिटी ऑफ राइस वॉज नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ. तो जो डिश की रिक्वायरमेंट थी, अगर मैं ये वाले चावल से बनाया तो वो चावल का पिज्जा अच्छा नहीं लगेगा आपको. जो टेस्ट आपको चाहिए था वो टेस्ट नहीं आएगा, फिर मेरे को मत बोलना, कुक ने बोल दिया. अब बताओ, जैसे ही मिसेज गीता ने सुना कि चावल का पिज्जा का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, नाराज हो गई. नाउ मिसेज गीता वॉन्ट्स टू फाइल द सूट ऑफ फ्रॉड, सीधा फ्रॉड का केस करना चाहती है अगेंस्ट द सेलर, अलेजिंग हिम ऑफ सेलिंग मिक्स ऑफ गुड एंड चीप क्वालिटी राइस, कि बासमती बास और मती मिक्स चावल देता है. विल शी सक्सीड, एक्सप्लेन द बेसिक लॉ ऑन सेल ऑफ सैंपल, डिसाइड द फेट ऑफ द केस एंड ऑप्शन ओपन टू द बायर फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट. मतलब मिसेस गीता के पास क्या रेमेडी है, एंड वॉट वुड बी द आंसर इन केस मिसेस गीता हैड स्पेसिफाइड हर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट एज टू लेंथ ऑफ राइस. यानी अलग अलग सवाल कर रहे हैं ना. तो सबसे सिंपल इंस्टेंस, बाउल में राइस का सैंपल दिखाया था और फिर बेचा, तो ये क्लियर कट केस ऑफ सेल बाय सैंपल है. तो पहले आपको बोलना चाहिए व्हेनेवर द गुड्स आर सोल्ड थ्रू सैंपल द बल्क शुड करेस्पॉन्ड विद सैंपल, पहली बात. और दूसरी बात, बायर शुड बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्शन. क्या ये केस में बल्क वॉज करेस्पॉन्डिंग विद सैंपल? द आंसर इज येस. क्वेश्चन में दिया हुआ है सैंपल एग्जैक्टली करेस्पॉन्ड विद द एंटायर लॉट, तो मतलब बल्क इज करेस्पॉन्डिंग विद सैंपल. दूसरी बात, बायर शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्शन. क्या इंस्पेक्शन का मौका मिला था? या सब तुमने देखा, सैंपल पसंद किया, जो बल्क था वो सैंपल से मैच खा रहा था. अब आपने कैजुअल चेक किया, उसमें मेरी थोड़ी गलती है. आपने बराबर चेक करना चाहिए था, बोलना चाहिए था इसमें ऐसे बड़े बड़े दाने कैसे दिख रहे, बड़े छोटे दाने. आपने तो बस कैजुअली देखा, बोला हाँ ठीक है 1000 किलो दे दो. तो गलती किसकी यहाँ पे? मिसेज गीता की. कैन शी रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट? क्या ये ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन माना जाएगा, कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल? द आंसर इज नो. यहां पे कोई भी कंडीशन ब्रीच नहीं हुई, हेल्ड मिसेस गीता हैज नो रेमेडी. अब इसको वो रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे सेलर की गलती नहीं है, उल्टा कैवियट एम्प्टर. हालांकि कैवियट एम्प्टर की जरूरत ही नहीं है यहां, तो बायर की गलती है साफ साफ, करेक्ट, कि बायर ने कैजुअली एग्जामिन किया. बट लास्ट केस में पूछ रहा है What would be the answer if Mrs. Geeta had specified her exact requirement as to length of राइस? अगर मान लो Mrs. Geeta ने दुकानदार को बोला ही था कि भैया कम से कम ये 5 mm से बड़ा दाना नहीं होना चाहिए, दुकानदार ने बोला हाँ ये वाला राइस ठीक है, ये 1000 किलो आप ले जाओ, इसमें 5 mm से ऊपर का दाना नहीं आएगा, तो फिर ये ग्राउंड है ना, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, डायमेंशन दिया था ना, तो अब बल्क शुड करिस्पॉन्ड विद द डायमेंशन. अब नहीं हुआ तो नाउ इट गिव्स द बायर अ राइट टू ब्रीच, ट्रीट इट एज अ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, रेप्यूटेट द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक बात है कि नहीं, समझ आ गया केस? इजी, ऐसे प्रैक्टिकल केस बेस्ड सवाल आ जाएंगे. तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन. तो आखिरी जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियट एम्प्टर, जो आखिरी टॉपिक है वो तो अभी जो हमने पढ़ा वो उसी का पूरा रेप्लिका है. कि डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियट एम्प्टर क्या है, कि कैवियट एम्प्टर इज लेट द बायर बी अवेयर. तो उसके एक्सेप्शन, आमतौर पे ये बायर की जवाबदारी है कि वो जो खरीद रहा है
वो उसके यूज का है कि नहीं है। बट अभी जितने भी हम केसेस देख रहे थे इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी, उसमें बेसिकली क्या है, उसमें बेसिकली सेलर की जवाबदारी हो जाती है क्योंकि ये ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन है। तो उन इंस्टेंसेस पे इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर, और कल को गलती हुआ बायर कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। तो वही बन जाता है एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियट एम्प्टर, सारे पॉइंट्स रिपीट। ठीक, तो ये अपना दूसरा यूनिट, कंडीशन एज टू कंडीशंस एंड वारंटी। ठीक बात है।